पास इसराइल और मिस्र की सेना के बीच गोलीबारी हुई है और इस दौरान मिस्र के एक सैनिक की मौत हो गई है। यह घटना पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा तनाव पैदा कर सकती है क्योंकि अब इसराइल को एक और फ्रंट खुलने का पूरा डर सता रहा है। आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, इसकी तीन बहुत गंभीर वजह बताई जा रही है। क्या है वो वजह, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। इसराइल की राजधानी तेल अवीव में जनवरी के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ है। ये रॉकेट अटैक के बाद उठ रहा धुआं है। तेल अवीव में अजीब सी दहशत फैली हुई है। गाजा से कत्यूशा रॉकेट फायर करके हमास ने साबित कर दिया है कि वो खत्म नहीं हुआ है। गाजा के रॉकेट मेन सुरंगों के अंदर और सुरंगों के बाहर एक बार फिर लैस हो चुके हैं। हमास की रॉकेट फोर्स लगातार एक्टिव है। इसराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। गाजा में हमास की फायरिंग पावर में कोई कमी नहीं आई है। हमास के इस हमले के बाद इसराइल ने रफा कैंप में कोहराम मचा दिया। तेल अवीव पर हमले के बाद इसराइल के हेलीकॉप्टरों ने रफा पर हेलफायर मिसाइलों की बारिश कर दी। करीब 40 लोगों के मरने की खबर है। रात भर रफा का ये राहत कैंप जलता रहा, लाशें निकाली जाती रहीं। ये सिलसिला सुबह भी जारी रहा। रफा दक्षिण गाजा में वो जगह है जहां करीब 12 से 15 लाख लोग मौजूद हैं, क्योंकि इसराइल ने पूरा उत्तरी और मध्य गाजा खाली करा लिया है। इसराइल ने रफा पर जो मौत की बारिश की उसकी वजह तेल अवीव पर हुए हमले से ज्यादा हमास का एक बहुत बड़ा हमला है जो जबालिया में किया गया। मारे इजरायली सैन्य, हमास का खूनी हमला। जरा इस वीडियो को देखिए। हमास के लड़ाके एक सुरंग से इजरायली सैनिक को घसीट कर बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। हमास ने अपने इस वीडियो में दावा किया है कि हमने सुरंग युद्ध में इजरायली सैनिकों को ना सिर्फ जान से मार डाला है बल्कि कई इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया है, उनके हथियार भी जब्त कर लिए हैं। ये वीडियो उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप का बताया जा रहा है। हम आपको एक एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि आखिर हमास ने इजरायली सैनिकों को इतनी आसानी से कैसे मार डाला, क्योंकि इजरायली सैनिकों के पास ना सिर्फ घातक हथियार और हाई टेक्नोलॉजी मौजूद थी बल्कि मरकावा टैंक और फुल बैकअप पीछे से मौजूद था। हमास के दर्जन भर लड़ाकों ने सबसे पहले जानबूझकर सुरंग में अपनी लोकेशन इजरायली सैनिकों को दिखा दी। जैसे इजरायली सैनिकों को लगा कि सुरंग के अंदर दर्जनों हमास के लड़ाके छिपे हैं, वो तुरंत घातक हथियारों के साथ सुरंग में घुस गए। सुरंग में इजरायली सेना के स्पेशल यूनिट के कमांडो घुसे थे। जैसे ही हमास का पीछा करते हुए इजरायली सैनिक सुरंग में घुसे, तभी सुरंग में हमास ने जोरदार धमाके कर दिए और उन पर गोलियों की बौछार कर दी। हमास ने दावा किया है कि उसने इसराइल के कई सैनिकों को सुरंग में मार डाला है और इसराइल की स्पेशल फोर्स के कमांडोज को बंधक बना लिया है। अल कसम ब्रिगेड्स के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने कहा, हमारे लड़ाकों ने इजरायली सेना को लालच देकर एक सुरंग के अंदर हमला करवाया और फिर इजरायली सैनिकों को मार डाला। كانوا ولا زالوا لقوات العدو بالمرصاد فنفذوا عشرات العمليات ضد قواته على مدار اكثر من اسبوعين في جباليا ورفح وبيت حانون وفي كل محاور العدوان والتوغل. وكان اخر هذه العمليات عملية مركبة نفذها مجاهدون عصر اليوم السبت شمال قطاع غزة.
खून के आंसू रोए नेतन्याहू, 200 दिन बाद बदला। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायली सेना गाजा पट्टी को 80% तक तबाह कर चुकी है, लेकिन हमास के लड़ाकों को खत्म नहीं कर पाई है। 200 दिन की जंग के बाद भी हमास के लड़ाके ना तो हार मान रहे हैं और ना ही इजरायली सेना पर हमला करने से चूक रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हमास के लड़ाके अब उन जगहों पर हमला कर रहे हैं जहां नेतन्याहू दुनिया के सामने दावे कर रहे थे कि उत्तरी गाजा और जबालिया इलाके से हमास के लड़ाकों का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया है। कब्र से निकला हमास, जबालिया में फंसा इजराइल। इस वक्त इजरायली सैनिक रफा, उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा, गाजा सिटी और मध्य गाजा में जंग कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि 200 दिन से ज्यादा की जंग के बाद इजराइल रफा में फंस गया है। जरा देखिए, हमास के लड़ाके हाथों में हथियार लिए एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। जनाजे में उमड़ी भीड़ साबित कर रही है कि भले ही इजराइल 10,000 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मार चुकी है, लेकिन हमास के लड़ाकों की संख्या में जरा भी कमी नहीं आई है। शायद यही वजह है कि रफा में इजराइल के भीषण हमले के बावजूद हमास की लड़ाकू क्षमता में कमी नहीं है। 6 मई 2024 से दक्षिणी गाजा के शहर रफा में इजरायली सेना ने हमले शुरू किए। रफा में 20 दिन से ज्यादा की भीषण जंग में इजरायल की आईडीएफ ने हमास के 70 ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायल की आईडीएफ ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने मरकावा टैंक और भारी हथियारों के साथ रफा में ग्राउंड ऑपरेशन किए हैं जो सफल रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि इजरायल के इस ऑपरेशन में 50 से ज्यादा हमास लड़ाके पूर्वी रफा में मारे गए हैं। इसके अलावा हमास की दर्जनों सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। इजरायल ने भीषण हमलों की वजह से रफा से 8 लाख फिलिस्तीनी भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। और चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान।